हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन इन जीके। इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस के लिए जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और अदर जितने भी अपकमिंग एग्जाम है सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है वर्ल्ड कप 2023 का जो वर्ल्ड कप होगा ये कहाँ पे होगा। तो गाइस, ये होगा इंडिया में, ठीक है। और आपको बता दूं कि इंडिया ने इससे पहले 2011 में जो वर्ल्ड कप हुआ था वो वर्ल्ड कप जो इंडिया में ही हुआ था वो वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था, तो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हेडक्वार्टर ऑफ इसरो, ठीक है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। और अगर आपसे इसरो की जो फुल फॉर्म पूछी जाए तो वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वैलिडिटी ऑफ ए चेक। एक चेक होता है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो कितनी होती है, तो गाइज वो होती है 3 मंथ्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 28 फेब को। हर साल 28 फेब को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। उसके बाद है फर्स्ट बैंक इन इंडिया, इंडिया में सबसे पहली बार जो बैंक बना उस बैंक का नाम बताइए, तो उस बैंक का नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, हवा में नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशतता है, तो गाइस वो है 78%, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपका फर्स्ट ओलंपिक्स गेम्स कहाँ पे हुई थी, तो जो फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हुई थी वो हुई थी एथेंस ग्रीस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच इज द ओपोनेंट टीम फॉर द फर्स्ट टेस्ट मैच ऑफ सचिन तेंदुलकर इन 1989 में जो टेस्ट मैच हुआ था जिसमें सचिन तेंदुलकर ने पहली बारी खेले थे, वो उस समय उनकी ओपोजिट टीम कौन सी थी, तो गाइस वो थी पाकिस्तान, और पाकिस्तान में ही वो मैच हुआ था। और आप सभी को पता है कि सबसे हाईएस्ट स्कोर हैं जो टेस्ट क्रिकेट में वो किसके हैं, वो है सचिन तेंदुलकर के, ठीक है। उसके बाद ओडीआई क्रिकेट में भी इन्हीं के हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9, व्हाट इज शॉर्टकट की टू एक्सपेंड ब्राउजिंग स्क्रीन इन वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर में जब आप यूज़ करते हैं तो उसको फुल स्क्रीन करने के लिए कौन सी जो की हो वो शॉर्टकट की आप प्रेस करनी होती है, तो वो करनी होती है F11, ठीक है। तो गाइस एक बात बता दूं, F1, F2, F3 ये सभी कीज़ होती हैं फंक्शन कीज़, तो इसको नोट कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, शिमला एग्रीमेंट कब हुआ, शिमला जो एग्रीमेंट हुआ था वो हुआ था 1972 को, ठीक है। और शिमला किसकी कैपिटल है, शिमला है हिमाचल प्रदेश की कैपिटल। और अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश के जो CM है वो कौन है, वो है जयराम ठाकुर, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है ASCII, इसकी फुल फॉर्म बताइए, तो इसकी जो फुल फॉर्म है कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट गैस कैन बी फाउंड ऑन स्टॉर्म, तो कौन सी गैस वो पाई जाती है हाइड्रोजन एंड हीलियम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड इन विच जिनिक्स ऑक्साइड इज अप्लाइड टू मेटल टू टॉप देन रस्टिंग, तो गाइस वो है गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। DBMS की फुल फॉर्म बताइए, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, DBMS की फुल फॉर्म है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच फंडामेंटल राइट विथ नॉन सिटीजनशिप वाला जो फंडामेंटल राइट है किस आर्टिकल में है, तो गाइस ये है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपका द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1931 में, ठीक है, ये किस मंथ में हुई थी, तो ये हुई थी सितंबर के मंथ में, वेरी इंपॉर्टेंट। हु वाज अवार्डेड 2015 में जो नोबेल प्राइज था लिटरेचर में ये किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था स्वेटलना लेक्सविच को। हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज वी हैव इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान में हमारे पास कितनी फंडामेंटल्स ड्यूटीज हैं, तो वो है 11, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्फ्यूसिस अवार्ड 2016 का जो कन्फ्यूसिस अवार्ड है वो किसे दिया गया, तो वो दिया गया था रॉबर्ट मुगाबे ऑफ जिम्बाब्वे को, ठीक है, जिम्बाब्वे के रहने वाले थे ये। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNFCCC, इसकी फुल फॉर्म बताइए, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क
कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली द दिल्ली पुलिस लॉन्च्ड एन ऐप, सॉरी दिल्ली पुलिस ने एक ऐप लॉन्च करा है रिसेंटली, ठीक है, वुमेन की सेफ्टी के लिए। तो उस ऐप का नाम क्या है, उस ऐप का नाम है हिम्मत, और दिल्ली के जो सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस जो होती है, जो हमारे इंडिया में एग्ज़ाम होता है ऑल इंडिया सर्विस का, यानी कि सिविल सर्विस आप कह सकते हैं, तो इसके जो फादर थे वो कौन जाने जाते हैं, वो जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24, नेम ऑफ द ऑपरेशन दैट लेड टू द कैप्चर एंड डेथ उसामा बिन लादेन के बारे में आप सभी को पता है कि ये बहुत ही बड़ा आतंकवादी था, इसको मार गिराया था अमेरिका ने। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो उसामा बिन लादेन था, ये कहाँ का रहने वाला था, ये था अफगानिस्तान का रहने वाला, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है हु स्टार्टेड दी होम रूल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट किसने स्टार्ट करी, तो ये करी एनी बेसेंट ने, और एनी बेसेंट कांग्रेस की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। उसके बाद चेनाब जेलम आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच राइबर, तो गाय जे हैं इंडूस की। विनर ऑफ वुमेन्स डबल्स टाइटल एट बी एन पी पेरिबेस ओपन टूर्नामेंट इन 2016, तो वो विनर सानिया मिर्जा एंड मार्टिना हिंग्स, ठीक है। उसके बाद हु इज़ द ओनली मेल इन द नेशनल वुमेन्स कमीशन, नेशनल वुमेन कमीशन में ओनली मेल कौन से हैं, तो वो हैं अलोक रावत। हु केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट्स रिपीटिंग एज प्रॉपर्टी ऑफ देयर ऑटोमेटिक नंबर, तो गाइस वो हैं दमित्री मेंडलीव, वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑर्गन रिमूव्स नाइट्रोजन्स कंपाउंड्स फ्रॉम द ब्लड, तो वो कौन सा ऑर्गन, वो है किडनी। रॉकेट लॉन्च पैड, जो हमारे रॉकेट लॉन्च होते हैं इसरो जो रॉकेट लॉन्च करती है, तो वो कहाँ से करती है, वो करती है श्रीहरिकोटा से, ठीक है। उसके बाद INS विक्रांत, ये कब बना था, तो ये बना था 1997 को। बट स्टडी ऑफ सॉइल कॉल्ड एज, जो सॉइल की स्टडी होती है, मिट्टी की स्टडी होती है, वो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पेडोलॉजी। आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ था, आर्यभट्ट लॉन्च हुआ था 1975 को, ठीक है। वाइल्ड रेनिंग ए टाइप स्मेल कम्स नाउन एज, जब रेनिंग होती है तो एक स्मेल सी आती है, वो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ओजोन, ठीक है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन हैं HL दत्तू। बट ई नंबर ऑफ बाल्स इन स्नूकर, स्नूकर में कितनी बाल्स होती हैं, वो होती हैं 22, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 38, फास्टेस्ट सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले बैट्समैन का नाम बताइए, तो गाइज वो है ब्रेंडन मैकलम, जो कि न्यूजीलैंड टीम के कैप्टन रह चुके हैं, अभी इन्होंने संन्यास लिया हुआ है, जो IPL में खेलते हैं। हु इज़ प्रेसिडेंट ऑफ साउथ एशियन रेसलिंग फेडरेशन, साउथ एशियन रेसलिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, वो हैं ब्रिज भूषण शरण सिंह। दिल्ली इज़ मेड कैपिटल, दिल्ली जो इंडिया की कैपिटल कब बना, देखिए दिल्ली से पहले इंडिया की कैपिटल था कोलकाता, ठीक है, लेकिन 1911 के बाद दिल्ली को कैपिटल बना दिया गया, तो दिल्ली कैपिटल कब बनी, 1911। वर्ल्ड वेनिया प्रंडी डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 6 अक्टूबर को। पाकिस्तानी क्रिकेट अंपायर विच हैज़ बीन बैंड फॉर 5 ईयर्स, पाकिस्तान के क्रिकेटर को बैन कर दिया गया, जो अंपायर हैं तो उनका नाम बताइए, उनका नाम है असद रौफ, और अभी एक साल के लिए डेविड वार्नर एंड स्टीवन स्मिथ को भी बैन किया हुआ है बॉल टेम्परी की वजह से, ठीक है। उसके बाद दी फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेटेड बाय न्योटिक पीपल, तो वो है डॉग, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSA, NSA की फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, NSA, ठीक है। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ हाई कोर्ट, फर्स्ट फीमेल जज कौन थी हाई कोर्ट की जो बनी थी, तो वो बनी थी अना चैंडी। उसके बाद विच गैस इज फील्ड इन बलून जो होते हैं, गुब्बारे होते हैं, उसमें कौन सी हवा भरी जाती है, गैस भरी जाती है, वो होती है हीलियम, ठीक है। उसके बाद विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज इनेक्टेड बाय इंदिरा गांधी ड्यूरिंग दी एमरजेंसी, एमरजेंसी में कौन सा अमेंडमेंट
था तो वो लगाया था 42nd Amendment, ठीक है। उसके बाद और इंदिरा गांधी पे एक क्वेश्चन बनता है कि भारत की पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो वो थी इंदिरा गांधी, ठीक है, कांग्रेस से बिलोंग करती थी। हु होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट टेस्ट 100, तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, ब्रेंडम मैकलम। द प्रेजिडेंट साइंड ए प्रोसमुलेशन अंडर विच आर्टिकल फॉर इम्पोजिंग प्रेस प्रेजिडेंट्स रूल इन अरुणाचल प्रदेश, तो गाइस वो था आर्टिकल 356(1), ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आपका, जीवन रक्षा पदक हैज हाउ मैनी कैटेगरीज, तो इसकी कैटेगरीज होती हैं 3, ठीक है। तो गाइस ये थे हमारे 50 क्वेश्चन जो कि दिल्ली पुलिस के लिए, स्पेशल दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइस कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं दोबारा से अलग से फिर से जीके के क्वेश्चन जो अपलोड करता रहूँगा स्पेशल फॉर दिल्ली पुलिस। ओके गाइस, आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग नोटिफिकेशन हैं आपको समय से मिल सके। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।